जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका सा, मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में तड़पते दिल के तराने लिए। ला 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 ला। हेलो जी गाइस, आज एक छोटी सी राइड पे निकले हुए थे हम पंजाब के लहलहाते खेतों की फसलें कटने को तैयार हैं। तो आज काफ़ी समय से राइड नहीं हुई थी पंजाब में क्लब के साथ, तो सोचा आज प्लान करते हैं। और सर्दियों का जैसे आगमन सा हुआ है, अभी वेदर बहुत ही मौसम बहुत ही शानदार है, अनुकूल है राइड्स के लिए। तो आप भी निकलें, थोड़ा अच्छा समय स्पेंड करें बाइक के साथ, थोड़ा नेचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों, कारवां आज चल पड़ा है, एक ऐसी ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए जिसकी वीरता की कथा गाथा पूरे सिख इतिहास में गाई जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दीवान टोडरमल जी की। उनकी महानता जो उन्होंने उस समय में किया, वो उसका ऋण शायद ही कोई दे सके। काफ़ी सारे दोस्त इस राइड में शामिल हो रहे हैं, मैं भी निकल पड़ा हूँ अपने यजदी रोड किंग के ऊपर। तो दोस्तों, हुआ यूं, एक टर्म आती है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड डील, दुनिया की अब तक सबसे महंगी लैंड डील, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लैंड डील क्या है, वो क्या थी, क्यों लेनी पड़ी, किसने ली। हुआ यूं, जब मुगल साम्राज्य में गुरु गोबिंद सिंह जी के दो साहबजादों, उनके दो बेटों और उनके माता जी को शहीद कर दिया गया, तो उनकी क्रिमेशन के लिए मुगल साम्राज्य में वजीर खान ने ऑर्डर दे दिया, अगर इनकी क्रिमेशन करनी है, इनका अंतिम संस्कार करना है, तो उसके बदले में सोने की अशर्फियां देनी होगी। तो दीवान टोडरमल जी ने तकरीबन 780 किलो सोना, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू US डॉलर
45 मिलियन अप्रॉक्सीमेट लगाई जाती है। उन्होंने अपना सब कुछ नौशावर कर दिया क्योंकि वो भक्त थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के। तो दोस्तों, बहुत ही ऐसी ऐतिहासिक वीर गाथाएं हैं, तो उनमें से कुछ एक आज हम जा रहे हैं जी दीवान टोडरमल जी की। उनका जो ऐतिहासिक घर था जहाँ पे वो रहते थे, अभी थोड़ी खस्ता हालत में है, तो वो दिखाएंगे आपको। जुड़े रहिएगा दोस्तों। आ पहुंचे हैं जी दीवान टोडरमल जी की उस ऐतिहासिक हवेली के बाहर। हवेली फिलहाल एक टूटा एक खंडर का रूप ले चुकी है, जिसकी दीवारें अभी कुछ अरसा पहले से जो गवर्नमेंट के अंडर आ चुकी है, देखिए रिपेयर हुई हुई है इनकी, तो इसको भी वो रिपेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको रिवाइव कर लेगी। देखिए ये पुराने कमरे, पुराने हॉल्स, किचन, काफ़ी कुछ अभी भी अंदर बचा हुआ है। रसोई, ये देखिए ये है इनका किचन, पुराना किचन, वही मुगल साम्राज्य के समय की ईंटें लगी हुई हैं। ये देखिए जगह जगह पे रिपेयर है, इसकी रिपेयर हो रही है। ये चिमनी है पुराने समय की, तो काफ़ी हद तक डैमेज हो गई है ये बिल्डिंग, बट उम्मीद आशा करते हैं सरकार से, गवर्नमेंट से, कि इसको फिर एक बार उसी तरीके से संजोया जाएगा जिस तरीके से दीवान टोडरमल जी ने इसको बनाया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।